हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो G20 को पढ़ना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं G20 सबमिट क्या था और G20 सम्मेलन क्या है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो G20 से आप सभी सभी के सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दी जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो विश्व के 20 देश के जो है या तो वित्त मंत्री या फिर उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आप सब बोलोगे कि भाई इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, जैसे अलग अलग समय में अलग अलग वित्त मंत्री रहते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है। तो इस तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है कि G20 क्या है, कि ये एक संगठन का नाम है, एक संगठन है आप ये कह सकते हो, जिनकी बैठक होती है, जिनकी क्या है बैठक होती है, और इसके अंदर, इस बैठक के अंदर कौन है, या तो हमारे देश का वित्त मंत्री या जो केंद्रीय बैंक का प्रमुख है, उन गवर्नरों को इन सम्मेलन में भेजा जाता है और इनकी जो मीटिंग्स है ये G20 समिट कहलाती है। G20 देश के अंदर आप देखेंगे इस समूह में 19 देश वैसे शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ, जो नहीं, यूरोप के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल है। यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता और केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है और G20 का जो प्रतिनिधित्व है वो किया जाता है। ये अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि जो भी संगठन के देश हैं उन सभी के हित के लिए सोचते हैं। इनकी 20 देशों के अंदर अध्यक्ष हैं, इनकी सीधी सी बात है तो एक तो EU के अध्यक्ष खुद आ जाएंगे इसके अंदर, और बाकी जो 19 देश बच गए, 19 देश उनके अध्यक्ष उनके देशों के या तो केंद्रीय बैंक के या फिर उनके वित्त मंत्री के प्रमुख होंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर G20 सम्मेलन जो है इसे G20 के नाम से भी जानते हैं। तो G20 जो हमारा सबमिट है, जो G20 सबमिट है, इसे हम G20 शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन के दौरान आर्थिक संकट, आतंकवाद और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ध्यान रखना है, आतंकवाद, मानव तस्करी और साथ ही साथ में आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, और साथ में आपसी सहयोग को कैसे वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर विचार विमर्श किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको याद रखना है। तो यदि आप G20 क्या है इसको जानना चाहते हैं तो G20 शिखर सम्मेलन, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना, इसके सदस्य देशों की सूची, इसको लेकर बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी को यही सूचना प्रदान की जाएगी। सबसे पहले G20 का मतलब क्या होता है? तो G20 एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो शामिल होते हैं। G20 के अंदर अगर हम देखेंगे हर देश, 19 देश से तो कोई ना कोई एक अध्यक्ष आएगा, क्या आएगा, अध्यक्ष आएगा, और EU का आएंगे, तो टोटल मिला के 20 हो जाएंगे, ध्यान रखना है आप सभी को। इन देशों में स्पेन स्थायी अतिथि के रूप में प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है, यानी प्रतिवर्ष शामिल किया जाता है किसको, स्पेन को, ध्यान रखना है, स्थायी अतिथि के रूप में स्पेन को शामिल किया जाता है। इस बैठक के दौरान प्रत्येक देश के जो वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियली मार्केट है, और विश्व के आर्थिक जो मुद्दे हैं उन सब टॉपिक पर विचार विमर्श किए जाते हैं, सलाह ली जाती है, और इस समूह में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, आतंकवाद को रोक लगाने की, मानव तस्करी पर, जल संसाधन हो गए, स्वास्थ्य के हो गए, प्रदूषण हो गए, जो ग्लोबल मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पर ही ये चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये संगठन महत्वपूर्ण संगठन में है क्योंकि सकल घरेलू उत्पादन का 85% इन देशों के अंदर ही होता है, वित्तीय व्यापार का 75% इन देशों में होता है, और विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो इन्हीं देशों में रहती है। विश्व के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो इस संगठन के अंदर शामिल है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, विश्व के प्रमुख G7 ने एक नए संगठन की शुरुआत की जिसका नाम G20 रखा है। इसकी स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है, 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी Washington DC में इसकी नींव रखी गई। G7 की नींव कहाँ रखेगी? तो अमेरिका की जो राजधानी है Washington DC, इसके अंदर इसकी नींव रखी गई है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में एशिया के वित्तीय संकट के और वित्त मंत्री और के गवर्नर इसके अंदर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में
ठीक है, 14 और 15 नवंबर को आयोजित किया गया। और साथ ही साथ में रशिया में आए वित्तीय संकट को अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन को आरंभ किया था। जैसे रूस पे संकट आया है, वैसे हम पे भी संकट आ सकता है, इसीलिए इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तभी से प्रतिवर्ष G20 का सम्मेलन आयोजन होने लगा है। इसमें कई अतिथि देश भी शामिल होते हैं। और साथ ही साथ में ध्यान रखना है अब आपको भाई, इसका सम्मेलन के कुछ नियम, कुछ रूल रेगुलेशन भी होंगे, तो ऐसे रूल रेगुलेशन के बारे में ही ध्यान रखना है। G20 के जो अध्यक्ष हैं 2008 के बाद में, उन्होंने कई बार इनकी बैठक हो चुकी है। अब इसका अंतिम सम्मेलन अगर हम बात करें 2018 में कोविड से पहले अच्छी तरीके से हो गई थी, और उसमें हमारे देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है इसका सबसे पहली बार सम्मेलन जो है वो जापान में आयोजित किया गया था, और ओसाका में सम्मेलन की अध्यक्षता शिंजो आबे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनके द्वारा की जाती थी। शिंजो आबे जो है जापान के पूर्व PM रह चुके हैं और उनकी हत्या हो चुकी है। G20 में आपके मन में आएगा भाई कौन कौन से देश शामिल है, तो रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, भारत भी है, इंडोनेशिया, इटली, जापान जो है, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरब अमीरात नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, और EU के देश इसके अंदर शामिल है। इसके बाद में प्रत्येक देश किसी कि कोई देश G20 की अध्यक्षता प्रदान की जाएगी, यानी इनके द्वारा ही किया जाता है, किसी भी एक देश को हेड बनाया जाता है और उसके द्वारा कार्य प्रणाली तय की जाती है और उसी हिसाब से सबको चलना होता है। सभी देश यहाँ पर आते हैं, जो भी इसके सदस्य देश है या अतिथि देश है, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और साथ ही साथ में जो है अपनी जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा 2020 में यह सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के जो है रियाद शहर में 21 से 22 नवंबर में किया गया, और इसके तहत भारत भारत की जो मेजबानी है 2022 में भारत को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। तो आई होप आपको G20 क्या है इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। G20 में कौन कौन से देश हैं, G20 आखिर है क्या, कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, क्या बैठक हुई, ऐसे तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है नाउ यू कैन इजीली अब आप किसी को भी दे सकते हो। और आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय